रोज रोज वही सब्जी खाके अगर हो रहे हो बोर, तो बिल्कुल नए तरीके की सब्जी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसे आप घर पर बना के तैयार करेंगे। सिर्फ आलू टमाटर से बिल्कुल नए अंदाज में नए तरीके की सब्जी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के आलू को छील लिया है और पीसेस में कट कर लिए। 2 टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं और 2 लाल मिर्च ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आप चाहें तो हरे मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाल की जगह। और साथ में मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है और ये 1/2 कप है। तो ये सारी चीज़ें आज की सब्जी में आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे और 2 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें आलू डाल देंगे, यहाँ पे मैंने आलू को धुल लिया था, और 2 टमाटर और प्याज, और साथ में हम इसके मूंगफली दाना सारी चीज़ें डाल देंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आँच में पकने देते हैं। इसके बाद हम 5 से 7 मिनट जब हो जाएं तो इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से देखें, जब हमारा आलू सॉफ्ट सा हो जाएगा और यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी पक जाएंगे, तो यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज और मिर्च को निकाल लूँगी और फिर इसको बाद में छानूंगी। तो यहाँ पे आप ये मसाले की ग्रेवी के लिए ये सारी चीज़ें अलग कर लीजिए और मूंगफली और आलू को अलग छान लीजिए। तो यहाँ पे मूंगफली आलू जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिर्ची और प्याज अदरक को बढ़िया से पीस कर तैयार करेंगे। तो देखें यहाँ पे अब टमाटर को भी छील लेंगे, तो इसको भी हमें पीस के इसकी प्यूरी बना के तैयार करना है। तो इसे हम साइड रख देते हैं और मसाला भी पीस कर तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही मसाले हमारे पिसेंगे वैसे ही हम कढ़ाई रख देंगे सब्जी बनाने के लिए गैस पर। तो देखें यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाला है, तेज पत्ता डाला है, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च, इस सारे गर्म मसाले मैंने तेल में डाल दिए हैं। साथ में बड़ी इलायची भी ऐड किया है। और अब जो प्याज हमने पीस के रखी थी ना, इसे डाल देंगे। इससे इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बढ़िया बनके तैयार होगी। अगर आपने इस तरह से एक बार बनाई ना, तो बार बार बनाएंगे। ये ग्रेवी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसे धीमी आंच में बढ़िया से ढककर पका लेना है। मैंने बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए ढका और फिर इस तरह से भूंज कर इस प्याज को तैयार कर लिया। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिलाकर भूंज लेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि ये सारे मसाले भून जाएं। साथ में मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। अब जो हमने टमाटर रखे थे इनको भी पीस के डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था टमाटर पीसने में। तो यहाँ पे देखें ये ग्रेवी बनके तैयार हो गई है बढ़िया सी सब्जी के लिए। तो जब टमाटर डालें तो इस तरह से धीमी आंच में बढ़िया से इसे पका लें, साथ में नमक ऐड कर दें और धीमी आंच में एक बार फिर ढककर इसे पका लें। चलिए अब दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू मूंगफली एकदम ठंडा हो गया है, इसमें 2 छोटे चम्मच दूध या पानी डाल लीजिए और बढ़िया से पीस कर इसे तैयार कर लीजिए। जब ये पिस जाएगा बढ़िया से तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे पीसने के बाद। इसे जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया आप पीस लीजिए और किसी बर्तन में इसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में इसे निकाला है और जो पनीर अब हम बनाने वाले हैं वो मसालेदार बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है, कुटा हुआ लाल मिर्च और हरा धनिया। तो मसालेदार पनीर इससे बनके तैयार होगा। साथ में टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अब इसमें अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे चावल के आटे का इस्तेमाल करूँगी। और देखें 1 चम्मच मैंने अभी डाला है और 1 चम्मच बाद में। कुल मिला के भर कर आपको 2 से 3 चम्मच चावल का आटा इसमें लग जाएगा। अब एक थाली ले लीजिए और इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और फिर इसके बाद इस बैटर को आप इसके ऊपर फैला दीजिए।
तो इसे भी हमें भाप में पकाना है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास इसे पकाने का। तो जो मसाला आपका पकड़ा होगा ना, तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि ये धीमी आंच में बढ़िया से पकता रहे। और इसी में आज हम अपना जो बैटर है वो पकाएंगे। तो इसमें पहले थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि ये लगे नहीं नीचे से, और इसको धीमी आंच में बिल्कुल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखें, मसाले को मैंने एक सा कर दिया है, आंच को बिल्कुल धीमा कर दिया है, कटोरी में पानी लेके इसके बीचम बीच रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस थाली को इसी के ऊपर रख देंगे, क्योंकि इसे हमें भाप में पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे अलग से भी पका सकते हैं, अलग से पानी गर्म करके उसके ऊपर भी पकाया जा सकता है, पर मैंने कहा कि क्यों ना इसी के ऊपर पका लिया जाए। तो कुछ देर बाद आप इसे चेक करिएगा, 4 से 5 मिनट करीब हो जाए। अगर आपको लगे मसाला हमारा जल रहा है तो किनारों से आप पानी डाल दीजिए और इस तरह से इसे चेक कर लीजिए, हाथ से ये चिपक तो नहीं रहा है, सेट हो गया है कि नहीं। तो देखें, इस तरह से मैंने चेक कर लिया है हाथ से। अब हम इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से आप इस थाली को निकाल ले जाएंगे, और जो पानी है इसे भी निकाल लीजिए, और ये पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे सब्जी में। तो इसे साइड रख लीजिए। और देखें यहाँ पे जब तक मसाला भी बढ़िया से भुंज के तैयार हो गया है, इसमें थोड़ी सी आप हरी मटर डाल दीजिए, साथ में इसमें 2 छोटे चम्मच मलाई ऐड कर दीजिए, और देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी आपकी ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएगी। बिना क्रीम के ही ज़बरदस्त ग्रेवी, बिल्कुल नए टेस्ट की आप बना ले जाओगे। तो देखें ये मसाले सारे भुन चुके हैं। अब ग्रेवी आपको जितनी पतली गाढ़ी रखना है तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने अभी पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं धीमी आंच में, जब तक हम इस पनीर के पीसेस कट कर लेते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप इसे निकाल लीजिए। तो इन पीसेस को अब हमें निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो इस तरह से कच्चा पनीर भी डायरेक्ट सब्जी में डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा तेल डालकर पनीर को गर्म कर लीजिए। तो जैसी सब्जी आपके यहाँ पसंद करते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस पनीर के टुकड़ों को इस पैन में डाल के हल्का सा सेक लूँगी, और जैसे ही ये नीचे से सिक जाएंगे तो मैं इसे थोड़ा सा पलट के दोनों तरफ से सेक लूँगी, ठीक है ना। अब हम इस तरह से जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। अब ये अच्छे से दोनों तरफ से सिक चुके हैं बढ़िया से, तो इन्हें निकाल लेंगे, और निकाल कर हम इस सब्जी में ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी देखें धीमी आंच में बढ़िया सी पक गई है। तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे डाल दीजिए, क्योंकि इसे डालने के बाद हमें पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर हमने पकाया तो सब्जी हमारी घुल जाएगी। तो जैसे ही मैंने डाला और गैस को बंद कर दिया, और साथ में हरा धनिया डाल दिया है। तो ये नए अंदाज की सब्जी आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखें मैंने सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। आप इसे पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहे खाइए। तो मिलेंगे इसी तरह की और हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।